हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, फिर से आ गई प्यारा सा नया सा ब्लॉग लीजिए। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, बारिश में हूँ और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बारिश में जा रहे हैं नर्सरी पे। ये होता है पौधों का नशा। अगर हमें गार्डनिंग का शौक़ हो जाता है ना, तो फिर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, अभी तो हालांकि बंद हो गया है, छाता हम लोग हटाने वाले हैं। तो क्या है गाइस कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी जाने के लिए, तो चलिए बैक कैमरा कर रही। तो गाइस देखिए, जो है ये खुशी है जो हमारे यहाँ रेंट पे रहती है ना, ये वो है, आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे हूँ। तो कॉलोनी में ही देखिए कितनी तेज़ बारिश हुई थी, पूरा रोड जो है एकदम ख़राब हो चुका है पानी से। तो हालांकि पानी बारिश होना तो बंद हो गया है, लेकिन चलते हैं, अब देखते हैं ऑटो मिलता है कि नहीं। और आप लोग ना मुझे सुबह वाले ही कपड़े में देखे होंगे जो मैं पिछले ब्लॉग में दिखाई, क्योंकि मैं कपड़े वपड़े बिल्कुल भी चेंज नहीं की हूँ, और मतलब बस घर वाले ही पूरे ड्रेस में आ गई हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से ना कुछ भी नहीं चेंज उंज किए हैं। तो यहाँ देखिए, जो हम लोग ऑटो किसी तरह से, मतलब कि ऑटो जल्दी मिल गया था, तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और मुझे कुछ मतलब कि ग्रो बैग लेने हैं और कुछ बड़े पॉट्स लेने हैं, क्यों जो कि मुझे अमरूद का और नींबू का ये सब प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। तो बड़े पॉट्स चाहिए, बड़े ग्रो बैग के चक्कर में हम जा रहे हैं, और कुछ हमारे हैंगिंग बास्केट प्लांट चाहिए हमें, तो उसके चक्कर में जा रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं कि हमें मतलब कि प्लांट और ग्रो बैग हमें मिल जाता है कि नहीं, जो हम चाहिए, जिस जैसा हमें चाहिए। तो देखिए गाइस, यहाँ ना हम लोग टीडी कॉलेज के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं लाइन बाज़ार के आगे, और लाइन बाज़ार में एक मातापुर कॉलोनी है, मतलब कि मोहल्ला है, और वहीं पे नर्सरी है मातापुर में। तो यहाँ देखिए लाइन बाज़ार चौराहे से हम लोग आगे निकल गए हैं और चलते हैं नर्सरी पे, और आप लोगों को मैं रास्ते का व्यू दिखाते हुए चल रही हूँ। और हमारे जौनपुर में मतलब कि दो तीन नर्सरी जो है जो कि बहुत अच्छे हैं, ग्रीन इंडिया नर्सरी, मंजरी और शिवा नर्सरी, ये तीनों एक ही लाइन में है, लाइन बाज़ार से आगे मातापुर में ही पड़ता है। मंजरी तो लाइन बाज़ार में ही पड़ता है, और शिवा नर्सरी और ग्रीन इंडिया नर्सरी मातापुर में पड़ता है। तो गाइस देखिए, यहाँ हम लोग ना ऑटो वाले थोड़ा सा आगे लेके निकल गए थे, तो हम लोग वहाँ से मतलब कि उतर के बैक हो रहे हैं और चल रहे हैं शिवा नर्सरी। और इनकी देखिए नर्सरी ना पुरानी है, मतलब कि है तो छोटे ही स्पेस में, लेकिन इनके यहाँ ना प्लांट की वैरायटी बहुत ही अच्छी रहती है। जो भी प्लांट मैं इनके यहाँ से ले गई हूँ सारे सक्सेस हुए हैं, मतलब ख़राब जल्दी नहीं होते हैं, सबसे प्लस पॉइंट तो ये रहता है। और दूसरी चीज़ ये ना कि इनको सही पूछिए तो पैसे की बिल्कुल भी लालच नहीं है, बहुत ही कम रेंट में बहुत ही अच्छा प्लांट ये देते हैं। और यहाँ देखिए, मैं आई हूँ इनसे, भैया से पूछ रही हूँ कि मतलब कि कौन कौन से प्लांट रखे हैं, तो हैंगिंग बास्केट प्लांट तो नहीं रखे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ इनके पास कैसा प्लांट है जो कि हम कुछ ले जा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ ना ज़्यादातर इनके पास इंडोर प्लांट ही था इस टाइम, और जो भी फ्लावरिंग प्लांट थे तो वो तो मेरे पास थे, तो मैं नहीं ले पा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा प्लांट लूँ, और वही चेक कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए जो है ये, मतलब कि कुछ मैं पूछ रही हूँ कि जो कुछ इंडोर प्लांट ऐसे थे जो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, हालांकि मुझे खूबसूरत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मन कर रहा था ले लें, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्पेस की कमी है, और इंडोर प्लांट रखने की तो बिल्कुल भी कमी है, क्योंकि छाया ना बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ, न तो बालकनी में न तो लॉन में, कहीं भी रखने के लायक नहीं है इंडोर प्लांट, इसलिए मैं बहुत ही कम इंडोर प्लांट रखती हूँ। तो थोड़े बहुत इस टाइम हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ से ना अब हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। और ये भैया ना हमें, जब भी मैं आती हूँ तो मतलब जब भी मैं प्लांट बहुत ज़्यादा लेती हूँ ना, तो फिर ये एक दो प्लांट मुझे ऐसे ही दे देते हैं। तो मैं इनके यहाँ से कुछ कटिंग भी ले ली हूँ, और ये देखिए पपीता का प्लांट सब उगाए हुए हैं, और इधर देखिए अरिका पाम अच्छा है। और क्या बोलते हैं, इनसे ना मैं कुछ कटिंग मांगी हूँ, और देखते हैं। तो चलिए गाइस, एक मैं बहुत ही अच्छी चीज़ दिखा रहे हूँ आप लोगों को, जो है यहाँ भैया की नर्सरी पे आते हैं ना, तो इनके यहाँ कुछ ना कुछ मुझे गिफ्ट में मिल ही जाता है। ये भैया हैं, इनकी बहुत पुरानी नर्सरी है, मतलब छोटी नर्सरी है, लेकिन सारे प्लांट का मतलब वो रखते हैं। और यहाँ देखिए, ये कहीं दो लो, अरे नहीं ये कहीं दो लो। यहाँ देखिए कमल का ये था, डाल दो उसी में, भैया
तो दिखाओ दिखाओ जरा इसका बीज वहाँ, तो ये देखिए कमल का बीज है। जाके लगाते ना, गांव में मिट्टी भी रहती है। अब ये बताइए कि इसको कैसे लगाने का क्या प्रोसेस है? कोई कीचड़ होना चाहिए, नहीं हो जैसे तो मान लीजिए टप ले लेंगे, टप में थोड़ा सा मिट्टी डाल के पानी डाल के डाल देंगे, इतना मिट्टी डाल दीजिए इतना, और उसपे उसे 3-4 इंच 5 इंच वो सामने छह इंच तक पानी ज्यादा ज्यादा रहे। अच्छा, और अभी अब पूरा ओपन में धूप में रख दी। देखिये हमारे तो धूप में रखा हुआ था लेकिन अब कम पड़ रहा है। अभी देखिए याद आ गया एकदम छत, हम तो अपना कमल दिखा दे तो आपकी तबीयत खुल जाएगी। ऐसे ही से फूल कहाँ पे रखे हैं? 8.5 बिल्कुल छत पे, लेकिन खिला नहीं अभी। अच्छा, टाइम अभी थोड़ा धूप आएगा तभी खिलेगा। नहीं वो हम डालेंगे। अरे वो इसे हाथ दे, देखो वहाँ देखो अंदर, हमने एक एक बीज 800-800 रुपए का मंगवाया है। हाँ, फूल खिला हुआ था देख के तबीयत। चलिए अगर ये मान लीजिए इसमें पत्ती निकल जाएगी, फिलहाल ये तो हमारा कॉमन वाला है जो नीला पीला जामुनी पीले रंग का होता है जो हर गया वही है, और ऊपर जो रखा हुआ है सब स्पेशल, उसका पत्ता ही देख के आपको लगेगा कि हाँ ये कमल। अच्छा सुनिए, अगर उसमें भैया ना अगर मान लीजिए बीज निकले तो उसको थोड़ा सा स्टोर करके रख लीजिएगा, हम अगर मान लीजिए इसका करेंगे। तो एक फूल निकला हुआ है 250-300 रुपए आपके स्टार फेसबुक पे खूब निकल नहीं रहा है, देख रहे रंग बिरंगे जापान वाला, पता नहीं सही है कि गलत है, कोई कोई लिखता है कि हाँ 40 हाँ लगाई निकला है उनका नहीं, कुछ लोग पौधे 20 से ही गुआ रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया नहीं, ये वही है जो रंग बिरंगा जापान वाला होता है कि ये रुपए का फैल तो रहा है, और तीन में फूल आया था लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा ठीक है सुनिए, उसका बीज ना स्टोर अगर निकलेगा तो उसका बीज आप रख लीजिएगा, बल्कि उसको हमें पैसे से दे दीजिएगा, हम खरीद। वो तो अलग बात है, उसको तैयारी का। एक जल गुलाब होता है, जल गुलाब उसको भी लाया था, खूब निकला था खूब निकला था, लेकिन इतनी ज्यादा ठंडी अब की बार पड़ी थी, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी तो इस बार इतना ज्यादा, सही बात है, सारे पौधों की हालत एकदम इतनी ज्यादा ठंडी पड़ी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं कुछ प्लांट ले ली हूँ, अलमांडा है और सॉरी अलमांडा पेलो वाला है, और ये देखिए पर्पल हर्ट का जो है, ये कटिंग मैं ले ली थी और इसी का सिर्फ कटिंग ली हूँ, और जो है ये अडेनियम का प्लांट तो भैया मुझे फ्री में दिए हैं, सोचिए ऐसा कौन करेगा। हालांकि इसका रीज़न ये था ना कि पिछले साल नहीं ठंडी में हमारे यहाँ से कुछ दो एक प्लांट लाए थे, तो उसके बदले ये अडेनियम का प्लांट मुझे दे दिए हैं, और ये अलमांडा सोचिए कि मुझे सिर्फ 40 रुपीज़ में दिए। मैं तो इनको पैसे दे रही थी लेकिन सिर्फ मुझसे 40 रुपए लिए हैं, 40 रुपए में आपको अलमांडा कहाँ मिलने वाला है। तो इसलिए मैं इनकी मतलब कि सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मतलब बिजनेसमैन हैं इनका ना, एक ज्वेलरी का भी बिजनेस चलता है। मैं कभी जो है जाऊंगी इनकी नर्सरी पे तो उसका एक अलग सा वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसका वीडियो बना के। इनका मतलब बिजनेस है ज्वेलरी का, ये तो मतलब शौक बस कर ले रहे हैं। उसी आओगी हमको नहीं दिखता, ये देखिए मेरी काफ़ी हेल्प करती है बेचारी, घर पे भी बाहर भी ये मेरे सपोर्टर है पूरी तरह से एकदम, कहीं भी जाते हैं अगर ये रहती है तो इसी को लेके चले जाते हैं, इसके रहने से मुझे भी फ़ायदा हो जाता है, थोड़ा सा वीडियो वीडियो मेरा सूट हो जाता। और आज भी देखे कमल का भी बीज यही निकाली, मुझे अगर निकालना होता तो मैं कतैया नहीं निकाल पाती, तो यही निकाल ली है, उसके लिए खुशी थैंक्स। और वो शिवा नर्सरी वाले जो भैया है ना, सच में वो कुछ ना कुछ जब भी मैं आती हूँ तो फ्री में मुझे ज़रूर दे देते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है, तो अच्छे हैं। चलिए गाइस नर्सरी के पास पहुंच गए हैं, वहां हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस देखिए, शिवा नर्सरी से मुझे कुछ हैंगिंग प्लांट लेने थे तो वहां से नहीं मिला, तो मैं सोची ग्रीन इंडिया नर्सरी पर चलती हूं, यहां पे देखते हैं। और यहां देखिए इतना ज़्यादा ये प्लांट की वैरायटी रखे रहते हैं ना, पहले इनकी भी नर्सरी बहुत मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इनका यही बिजनेस ही है, तो बढ़ाते ही जा रहे हैं और काफ़ी मतलब कि बड़ी नर्सरी बना लिए हैं। और इधर देखिए इतना ज़्यादा फिसलन है ना कि मतलब कि मैं इसीलिए स्लीपर ही पहन के आई हूँ, क्योंकि पैर फिसलने लगता है बारिश में, और बहुत बचा बचा के चलना पड़ रहा है। तो इधर मैं आप लोगों को दिखाते हुए चल रही हूँ, इनको देखिए इनके यहाँ इनडोर प्लांट की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और मतलब एक ना अब कॉस्टली भी देने लगे हैं प्लांट, हालाँकि मेरे से तो इनका नहीं चलता है, क्योंकि मैं तो जब भी आती हूँ ना तो कम करवाती ही रहती हूँ, और कहा गया है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं 10-20 रुपए भी इनसे कम करवाने लगती हूँ,
भाई इतनी मेहनत से पैसे है तो फालतू मुझे एक्स्ट्रा नहीं पैसा मैं देना चाहती हूँ, जितना जायज़ जो है प्राइस वही मैं देना चाहती हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत सारे प्लांट इनका मतलब होलसेल भी होता है, तो फ्रूटिंग फ्लावरिंग मतलब कि इंडोर आउटडोर सब प्लांट रखे रहते हैं, लेकिन इस टाइम ना इनके पास जो है ज़्यादातर होलसेल वाले ही हैं मतलब कि, और थोक के देते रहते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब कुछ प्लांट मैं देख ले रही हूँ, और यहाँ पे देखिए जो पुराने वर्कर सब हैं तो ये लोग काफ़ी अच्छे से पहचान गए हैं इनके यहाँ, जो इनके ओनर हैं वो भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब ये शिवा नर्सरी और मतलब ग्रीन इंडिया नर्सरी, ये दोनों लोग मतलब कि सच में काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। और उसका रीज़न ये है कि मैं इन दोनों लोगों के यहाँ से ही प्लांट लेती हूँ, बाकी और कहीं से नहीं लेती हूँ। तो यहाँ देखिए गाइस जो है ये ना अडेनियम का प्लांट उसी जो है देख रही थी, तो मैं बोली कि थोड़ा सा वीडियो शूट करो, शॉर्ट वीडियो बना रही थी। तो देखिए कितना अच्छा बोनसाई में डेवलप हुआ है ये, और हाइब्रिड अडेनियम है। तो ये सब तो बस ले जाने वाले ऐसे भी प्लांट ले जाते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो लोग तो भाई खरीद ही सकते हैं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं तो इतना ज़्यादा पैसा हम लोग फालतू वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इनकी पूरी नर्सरी का टूर कर ले रही हूँ और देख ले रही हूँ। तो इनके यहाँ से भी ना मैं कुछ कटिंग ली हूँ और कुछ प्लांट मैं ली हूँ, दो एक जो है मुझे जो अच्छा लगा कुछ अलग लगा तो वो प्लांट मैं ली हूँ, और दो या तीन प्लांट मैं ली थी और कटिंग कुछ ले ली हूँ। जेड प्लांट की कटिंग मुझे चाहिए था तो जेड प्लांट की कटिंग मैं इनसे ढेर सारे ली हूँ, और स्पाइडर प्लांट मेरा ख़राब हो गया था तो स्पाइडर प्लांट मुझे दिए हैं, और ग्रो बैग है और कुछ पॉट्स है तो ये सब मुझे ख़रीदने हैं। तो और कुछ पत्थर मुझे फ्री में दिए, जो पॉट्स में डालने वाले रंग बिरंगे पत्थर होते हैं ना स्टोन, वो जो है मुझे फ्री में दिए हैं, और कटिंग मुझे फ्री में दिए हैं। तो ऐसा नहीं है ये भी मुझे मतलब कि देते हैं, हालांकि सबसे तो इनका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से भी मैं प्लांट ले के गाइस चलती हूँ, और फिर आप लोगों से मैं रास्ते में मिलती हूँ बिलिंग कराने के बाद मैं। हे गाइस देखिए जो है हम लोग नर्सरी पर से किसी तरह से निकले हैं, और काफ़ी लेट भी हो रहा है और ऑटो भी नहीं मिल रहा था तो काफ़ी लेट हो गया ऑटो मिलते मिलते, और हम लोग काफ़ी भीग भी चुके हैं। और यहाँ देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि ऑटो वाले भैया जो हैं रोक दिए हैं, वो गए थे कि भीग जाएंगे, ऑटो चला ही नहीं रहे हैं, अब यहाँ हम लोगों को रुकना पड़ रहा है। यहाँ देखिए मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या भैया ये देखिए इतना तेज बारिश हो रहा है कि पूछिए मत। तो चलिए गाइस यहाँ देखिए खुशी जो है काफ़ी मेरी आज हेल्प की है, और मतलब इस टाइम बज रहे हैं शाम के 7:30 हो गए हैं, और अभी हम लोग बाहर ही हैं और काफ़ी लेट हो रहा है, अभी घर जाने के बाद पूरा काम पड़ा हुआ है। और देखिए अभी ये ऑटो लेके चले गए हैं, चल दिए हैं। और यहाँ देखिए आज ना मैं फ्री के पौधे तो पाई नहीं पाई, और रास्ते में खुशी की वजह से खुशी ज़रा कटिंग ऊपर करो, ये देखिए रास्ते में ये देसी रोज़ का जो है ना प्लांट काफ़ी लगे हुए थे रास्ते में ही, तो हम लोग जाते टाइम ही देख के गए थे और सोचे थे कि आते टाइम इसको कटिंग करके लेते चलेंगे, और आज देखिए ये जो है साथ में कटर ले के चले थे गाइस कि रास्ते में प्लांट अगर कुछ दिख जाएगा तो काटते हुए लेके आएंगे। आज पहली बार हम लोग ऐसा किए हैं, वो भी खुशी की वजह से, अगर मैं अकेली आती ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती है अकेले ये सब काम करने में। इसका सपोर्ट था तो मैं देख रही थी, इधर उधर कोई आसपास में नहीं दिखा तो हम लोग ये खुशी जो है जाके रोज़ का प्लांट जो है काट के ले आई। आज हम लोग रोज़ प्लांट की चोरी करके आए हैं, हालाँकि वो रोड पर ही था, कोई वहाँ दिख नहीं रहा था। उनके घर वाले देखे थे। अच्छा उनके घर वाले थे। अच्छा तो गाइस देखिए बोले नहीं, मैं काट कट कर रही थी, देख रही लेकिन बोले नहीं। अच्छा हाँ, तो बहुत सारे प्लांट है ना वहाँ पे, तो नहीं बोले होंगे, नेचुरल है ना। हाँ नेचुरल है, अच्छे से कटिंग करें। क्या भैया हम सोचे हमको कुछ कर रहे हैं। तो चलिए गाइस और यहाँ देखिए मैं जो है ये बड़े बड़े पॉट दो ले ली हूँ, और एक छोटा पॉट, एक उसी छोटा वाला पॉट जो सफ़ेद वाला कहाँ रखा है, अंदर अंदर। अच्छा छोड़ दो, जाने दो। तो यहाँ जो जो भी मैं सामान ली हूँ, ग्रो बैग है एक और दो, एक छोटा सा पॉट है इस वाले प्लांट के लिए, और
दो बड़े साइज के पॉट हैं, ये गरिका पाम के लिए ली हूँ मैं, और एक जो है नींबू प्लांट के लिए, ये बड़ा वाला पॉट जो है नींबू के लिए मैं ली हूँ। तो ये सब गाइस ना, अब मैं दिखाऊंगी प्राइस सबके कितने हैं, क्या हैं, जो भी है मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए बारिश होती ही जा रही है, तो चलिए अब घर पे चलते हैं। और आज का ये ब्लॉग मैं, नर्सरी ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारी पौधों की शॉपिंग अच्छी लगी होगी, नर्सरी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ किसी ऐसे प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए यहाँ खुशी देखिए रील बना रही है तो रील बनाते हुए चल रही है ये। तो चलिए गाइस, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसे प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।